बिहार में हाजीपुर के वैशाली जिले के राज फ्रेश डेयरी में अमोनियम सिलेंडर में जो है जहरीली गैस लीक हो गई। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 30 से 35 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी की हालत फिलहाल स्थिर है। सदर हॉस्पिटल की तरफ ले गए हैं। अभी दो दमकल की काम कर रही है, दो पीछे में लगी हुई है पानी की सप्लाई करने के लिए, और पटना से भी QRT की टीम चल चुकी है। स्थिति नॉर्मल है, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अदर जिला से मदद लिया जा रहा है। अभी पटना की QRT टीम आ रही है हमारी, जो टेक्निकल टीम होती है वो टेक्निकल टीम देखती है कि अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस प्रकार का। हम लोग फर्दर अगर कुछ और भी इंसिडेंट या अगर होने की संभावना रहेगी तो उसको कंट्रोल करेंगे। 6 से 7 लोग गंभीर रूप से, जब गंभीर की बात मैं नहीं जानता हूँ, बेहोश होने की जानकारी मिली थी, वो अभी मुझे लगता है कि हताहत नहीं होंगे, उसको हम लोग रिकवर करवा लेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं। हाँ, काफी तेज दुर्गंध सर अभी। हाँ, वो तो रहता ही अमोनिया गैस का। हम लोग तो दूसरा काम कर रहे हैं, हम लोग तो खाना में बना रहे थे, सफेद धुआं फेंका रहा कि हम लोग का हालत खराब है। अच्छा, कैसे कैसे भागे, भागे एकदम फूल रहा। कितना आदमी इसमें घायल हुआ? घायल तक बता नहीं सकते, 50 आदमी से ज्यादा होगा सर। बच्चा सब मेरा ही, बच्चा परिवार लेके सब। अच्छा, वहीं पढ़ा देते। क्या हुआ आपका नाम? रंजीत। बच्चा का नाम? बिहार के हाजीपुर के वैशाली जिले के राज फ्रेश डेयरी में अमोनिया सिलेंडर में जहरीली गैस लीक हो गई। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 30 से 35 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि सिलेंडर लीक होने से जहरीली गैस फैल गई जिसकी वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 30 से 35 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर अब इन सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।